दोस्तों, वैसे तो बढ़ती उम्र में शरीर में कैल्शियम की कमी होना आम बात है, लेकिन आजकल हर उम्र के लोगों में यह प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आप जवान हैं, आपकी हड्डियां भी कमजोर नहीं हो सकती, तो आप गलत हैं। कुछ बातों की लापरवाही की वजह से ये प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। क्यों ना समय रहते हम संभल जाएं। आपने देखा होगा कि आजकल कम उम्र के लोगों में भी हड्डियों का कमजोर होना, उठते बैठते समय दर्द का होना, मांसपेशियों में अकड़न और दर्द होना, बहुत जल्दी शरीर में थकान होना, दांत कमजोर होना, कमजोर नाखून, झुकी हुई कमर, बालों का टूटना या झड़ना देखा होगा, और ये सब शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। अधिक दिनों तक सूरज की रोशनी ना लेने से भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। विटामिन सी की कमी, अधिक कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से भी कैल्शियम की कमी होती है। सोडियम युक्त पदार्थों का अधिक सेवन करने से कैल्शियम की कमी होती है। दोस्तों, आज मैं आपको शरीर में कैल्शियम की कमी को कैसे रोकें ये उपाय बताऊंगा, जो आपके लिए अचूक और रामबाण साबित होंगे, और वो चीज़ है रागी। जी हाँ, जिसे इंग्लिश में फिंगर मिलेट और कई जगहों पर मड़ुआ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, रागी में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो दूसरे अनाजों के मुकाबले 5 से 3 गुना अधिक मात्रा में पाया जाता है। बड़े व बच्चों में हड्डियों की मजबूती के लिए रागी संपूर्ण आहार है। इसकी बनी रोटी खाने वालों को हड्डियों में कैल्शियम की कमी से पैदा होने वाला रोग ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम रहता है। घुटनों में दर्द, कमर बदन में दर्द होता रहता हो तो उन्हें रागी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा रागी में मेथियोनिन और लाइसिन एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो त्वचा को जमा और झुर्रियों से बचाते हैं। विटामिन डी, जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वो रागी में पाया जाता है, जो कैल्शियम को सही से कार्य करने के लिए सहायक होता है और स्किन के ग्लो को बढ़ाता है। रागी का सेवन करने से शरीर प्राकृतिक रूप से चिंता और तनाव से मुक्त हो जाता है। रागी का सेवन करते रहने से आपको बेचैनी और नींद न आने जैसी समस्याएं भी नहीं सताती है। रागी माइग्रेन होने की स्थिति में भी काफी प्रभावशाली सिद्ध होती है। रोज रागी का सेवन चिंता तनाव से छुटकारा दिलाता है। दरअसल इसमें एमिनो एसिड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो प्राकृतिक तरीके से आपको तनाव से मुक्त रखते हैं। बच्चों को माँ का दूध छुड़ाकर कुछ खिलाने की प्रक्रिया के दौरान रागी पाउडर का उपयोग किया जाता है। रागी शिशुओं में दूध की कमी को दूर करता है। रागी का सेवन बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लगातार सेवन से खून की कमी दूर होती है। जिन्हें भी एनीमिया की समस्या है, खून की कमी की समस्या है, उन्हें रागी का सेवन करना चाहिए। मधुमेह से ग्रस्त व्यक्ति अपने शुगर में ग्लूकोज के स्तर को कम करने के लिए रागी का उपयोग कर सकते हैं। इनमें उच्च पॉलीफिनॉल और फाइबर की उच्च मात्रा पाई जाती है। रागी में अधिक मात्रा में फाइबर होता है। इसे खाने के बाद पेट अधिक समय तक भरा भरा रहता है। इससे भूख कम लगती है और वजन कम होने में भी मदद मिलती है। तो रागी का सेवन किस तरह से किया जाए? आप अधिक पौष्टिक चपाती बनाने के लिए गेहूं के आटे के साथ रागी का आटा नियमित रूप से मिलाकर खा सकते हैं। रागी से बनी इडली, डोसा, दलिया या फिर चीला खाएं। इससे आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। इसके अलावा 1 गिलास पानी में 1 कप दूध मिलाइए, 2 चम्मच रागी पाउडर मिलाइए और उसमें मिठास के लिए मिश्री मिला दीजिए। गैस पर 10 मिनट तक धीमी आँच पर बॉयल कीजिए। थोड़ा ठंडा होने पर नाश्ते के साथ लीजिए। इसका सेवन लगातार किया जा सकता है। डायबिटिक लोग रागी का डोसा, रोटी या फिर दलिया का सेवन करें। दोस्तों, इसके अलावा कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए रोजाना सुबह 8 बजे से पहले करीब 10 मिनट तक धूप में बिताएं, खुली हवा में बिताएं। पपीता, सेब, ब्रोकली, संतरा और आंवले का अधिक से अधिक सेवन करें। ग्रीन टी भी पी सकते हैं। रोजाना 1 कप ग्रीन टी आपको जोड़ों के दर्द से बचाता है। कीवी, नारियल, आम, जायफल, अनानास और सीताफल में खूब कैल्शियम होता है। किशमिश, बादाम, तरबूज के बीज, पिस्ता और अखरोट कैल्शियम से भरपूर ड्राई फ्रूट्स हैं। दूध और बादाम में भी काफ़ी सारा कैल्शियम मौजूद होता है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए रोजाना 1 गिलास दूध में बादाम पीसकर पीजिए। इसके अलावा रात को 2 अंजीर भिगो कर रख दें और सुबह आप इसे चबा चबा कर खा सकते हैं। इससे भी आपको घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द की समस्या से निजात मिलेगी। दोस्तों, आप इस तरह से अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हो और जोड़ों के दर्द, बदन दर्द, घुटनों के दर्द से निजात पा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों।
आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लो। तो अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।